हाँ सर बोलो हाँ अहमान जानेमन बेटा, वेलो आ जाओ जल्दी से। यार, बस मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। डन 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 हो गया, डन हो गया। A few moments later. एक बंदा थोड़ी देर के लिए आया है यार, वैलोरेंट खेले अपने दोस्तों के साथ। नहीं कर दो, मेरा हम खेलेंगे इसके बाद। यार हसन अजीब, मेरे पीसी का मसला हो गया है यार, क्या करूं मैं अबे अब। अपना फारीक पीसी उठा के फेंक दे, कचरा है तेरा। मेरा लैपटॉप तेरे पीसी से ज्यादा अच्छा चलता हाँ है। ठीक है ठीक है, चलना ठीक यार, है बस। उसको लेके जा रहा हूँ मैं। Much, much later. भाई देखो, अब सीन ये है कि अब इन चीज़ों के डब्बे निकालते हैं। चीज़ कोई ख़राब नहीं है, मैंने चेक कर ली। बट द थिंग इज़ कि भाई, अगर यही मामला होता रहा ना, तो मेरी कोई वीडियो आनी नहीं। सो अपग्रेड लाजमी है, अपग्रेड की तरफ चलते हैं। पर पहले इनके डब्बे शब्बे हम निकालते हैं। चलो इस, तो अभी सीन ये है कि मैं निकाल लेता हूँ अपने जो भी मेरे डब्बे। कबर्ड खोलते हैं। हेलो तो भाई ये देख, ये एक डब्बा रहा और ये डब्बा रहा। चलो इनको निकाल के चलते हैं। तो मैंने डब्बे निकाल लिए, अभी चलते हैं कुछ ट्रांजिशन की तरफ। ओके तो मैंने डब्बे लेकर आया हूँ और ये सारी चीज़ें, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा डिसमेंटल करते हैं सारी जो भी चीज़ें, उनको अपनी प्रॉपर जगह पे रखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो भाई लेट्स गो। बंदा बड़ा ग्रेड है आपका जी। हाँ यार, ऐसे ही सोचा चक्कर लगा लूँ, अपना घर है, सोचा देखो कौन कौन सी फैमिलीज यहाँ पर रहती है। तुम क्या समझे, बाहर चला है, पानी आ रहा है। Much, much, much later. अब टाइम आता है इसकी अनबॉक्सिंग का, लेट्स गो। बहुत भारी है यार वैसे, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स गो। ओके गाइस, सो हियर गोज नथिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट द थिंग इज, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, स्पेशल थैंक्स टू अब्बू, जिसने जिसकी वजह से ये सारी चीज़ मुमकिन हो पाई है। क्योंकि द थिंग इज़ कि भाई, मेरे अब्बू ने मुझे ये एज अ बर्थडे प्रेजेंट दिया है। थैंक यू सो मच अब्बू, थैंक यू सो मच। इस सेमेस्टर आग लगा दूँ। ओके गाइस, सो द थिंग इज कि भाई, आज हमारी बिल्ड है i5 12th जेन की और मदरबोर्ड है Asus Prime B760M की। हमारी 1 TB की SSD है M2 और डार्क फ्लैश का हमारा कूलर है, बड़ा सा कूलर। और हमारी 650 वाट की पावर सप्लाई है एंड 32 GB हमारी रैम है DDR5। ओके तो अभी हम सारी ये चीज़ उसी सेम केस के अंदर हम लगाते हैं
और हमारा ग्राफिक कार्ड वही है गीगाबाइट 3050 और SSD है, HDD है, सो ऑन, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले सांस लेते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह, लेट्स गेट राइट इनटू इट। हियर गोज नथिंग, बिस्मिल्लाह। ओके गाइस, तो ये सीन है हमारा, ये मदरबोर्ड है, ये इस तरीके से है। ये इसकी CD वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि हम कभी ज़िंदगी में ना पढ़ते हैं ना हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक दो, रैम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है और ये थोड़ी सी मेरे पास थर्मल पेस्ट है, सोचा हम यही यूटिलाइज करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो भंड हो गया उस्ताद। अरे भाई एक सेकंड यार, अरे उस्ताद तो बैड सीन हो गया। ये तो बैड सीन हो गया, थर्मल पेस्ट सफिशिएंट नहीं है मेरे पास। ओके गाइस, तो अभी टाइम आता है हमारा कूलर इंस्टॉल करने का। कूलर हम कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे कि मैंने चेक किया है कि भाई ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। एंड अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई है बैक की, ये देखो ये होती है परफेक्ट सिटिंग, बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है ये। अब हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर, फैन हमारा होगा राइट साइड के ऊपर, यस बिल्कुल राइट साइड के ऊपर होगा। तो मेरी फ़ोन की बैटरी का इख्तिताम का वक्त आ चुका है, मैं जब तक ये बिल्ड बनाता हूँ उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये पीसी लगता है। तो भाई सिनेमैटिक्स के दौरान में गाइस, तो अभी मैंने अच्छे खासे दोस्तों को दिखाया अपना पीसी, उन्होंने कहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज कि हमारी जो चाची हैं इशू चाची, उन्होंने कहा है कि ये जो तुम्हारी RGB है ना ये लगा वापस। तो अभी भाई हम केस के अंदर फिर से लगा दें और फिर से सिनेमैटिक्स। गाइस, सो द थिंग इज कि भाई अभी हमने इसके अंदर RGB लगा दिए। देखो भाई इशू हो चाची, मैंने आपको खुश करने की कोशिश की, हैप्पी ये बात। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।